के स्मार्ट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए लेटेस्ट वीडियोस अपडेट जानने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम अपने पिछले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आदर्श अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस पे। तो गाइस, ये पार्ट डी है, और अगर आपने हमारे पार्ट ए बी सी नहीं देखे तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, जिसमें हम आदर्श अग्रवाल बुक के प्रॉब्लम ऑन एजेस पे क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, और हमने इससे पहले 1 to 15 क्वेश्चंस अपने पार्ट ए बी और सी में अपलोड किए हैं, तो वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पार्ट डी में अपने क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की तिगुनी है, मतलब कि 3 times है, एंड देन तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ मदर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखे हैं 40, 36, 44 and 42। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन से करके सिखा रहा हूँ कि ऑप्शन से हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली मेथड देखना है तो आर एस अग्रवाल में तो मैनुअली मेथड दे ही रखा है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर है वो है 36, तो हम इसी को वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा आंसर कैसे हो सकता है। तो देखिए गाइस, ये है मॉम एंड नाउ ब्रदर एंड नाउ आई, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं मतलब आई। अब देखिए यहाँ से अगर मॉम की एज हमने यहाँ पे 36 माना है, जो कि राइट आंसर है, तो इसको हम वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की तिगुनी है। तो देखिए ये इनके ब्रदर हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 times हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, है ना, क्योंकि ये 12 का ट्रिपल टाइम कितना हो जाएगा 36। तो देखिए अब गाइस ये हो गया, एंड देन फिर क्या करें, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल है, देखिए ये 12 प्लस अपने भाई से ना, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा कितने टाइम 4 times कट जा रहा है, तो देखिए ये कितना हो गया 12 + 4 कितना आ गया 16। तो जो है ये आई मतलब मैं, इसकी आई एज कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो देखिए मॉम की 36, ब्रदर की 12 एंड नाउ खुद की कितनी है 16। अब देखिए क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो देखिए वर्तमान आयु मतलब क्या है, समय, ये इसकी ब्रदर की प्रेजेंट एज है और कितनी है 12। तो यहाँ से देखिए 4 वर्ष पहले है ना, तो यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं, तो देखिए 16 अभी प्रेजेंट एज है एंड माइनस 4 तो कितनी हो जाएगी 12। तो देखिए 12 बराबर हो गया ना, यहाँ पे भी 12 है यहाँ पे भी 12 है, तो ये क्या है इक्विवेलेंट है, क्योंकि यही स्टेटमेंट कह रहा है। तो फिर क्या कह रहा है, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो देखिए ऑप्शन में हमने 36 माना था और यही हमारा आंसर है, क्योंकि स्टेटमेंट जो भी हम यहाँ से कर रहे हैं वो सारी की सारी फॉलो कर रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन 36 इज राइट आंसर। होप चीज़ें समझ गए होंगी कि मैं आपको यहाँ पे क्या चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन से हम कैसे वेरीफाई करके अपने आंसर्स पे आ सकते हैं। अब देखिए गाइस एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमने 12 क्यों माना, क्योंकि 12 क्या है 3 से कट जा रहा है, हमें अपनी डिजिट को सिंप्लीफाई करने के लिए 12 हमने माना था और हमारी वैल्यूज कट जा रही थी। तो गाइस होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पढ़ के और ऑप्शंस को कैसे वेरीफाई किया अपने आंसर्स पे। अब
मैनुअली मेथड तो आप वहाँ पे एक्स वाई से कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें एग्जाम अप्रोच है वो तो आप क्विक स्मार्ट में ही सीखते हैं। तो गाइज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज जब आप शेयर करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा है होता है कि बच्चे सपोर्ट करते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु देखिए कितना दे रखा है, 46। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है हमें ये बताना है। ओके सो गाइस नाउ दिस इज राम एंड नाउ सन एंड नाउ फादर, ये तीन इसमें यहाँ पे हैं। और देखिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो सन है उसकी एज कितनी है 2, तो राम की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि क्या कह रहा है 3 टाइम है। और देखिए ये हमारा 2 से 6 है, कितने टाइम है, 3 टाइम है। एंड नाउ तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए फादर की एज हम यहाँ से कैसे लेंगे, 15। कैसे देखिए क्या कह रहा है, 2/5 है ना, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई क्या, 2/5। तो देखिए 15 यही मैंने यहाँ पे रखा है, तो देखिए ये कितना 3 टाइम कट जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 6। और देखिए 6 है यहाँ पे राम की एज है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये 15 लिखा है। ओके एंड नाउ फिर क्या कह रहा है ऑप्शन में कि इन तीनों का औसत आयु 46 है। तो देखिए हमारे पास क्या है, 6 प्लस 2 प्लस 15 टोटल कितना ऐड अप हो जाएगा, 23। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। देखिए 23 डिवाइड बाई कितने हैं, 1 2 3, तो 3, और कितना एवरेज दे रखा है, 46। तो देखिए ये गाइज हमारा डायरेक्टली 2 टाइम कट जाएगा 46। तो देखिए 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई है ना, यहाँ से हमने जो कैलकुलेशन किया हमारी 1 की वैल्यू आ गई है 6। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो देखिए दिस इज नाउ फादर एंड नाउ राम, डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए फादर कितना है, फादर है 15 एंड राम कितना है, राम है 6। और देखिए यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 की यूनिट है हमारी और हमें 9 यूनिट फाइंड करना है, तो क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो देखिए ये जो 6 है इसी से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 ईयर। सो नाउ दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा 54 है, तो ये ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके क्लियर हो गई होगी चीज़ें कि मैं यहाँ पे कैसे वैल्यूज के साथ खेल रहा हूँ, यही आपको करनी है, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट से आप चीज़ों को सीख सकते हैं कि कैसे आप क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। एक्स वाई जेड तो एक हमारा सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन प्राइमरी हमारा जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है वो है ऑप्शन एलिमिनेशन, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, मतलब क्या है, 3 टाइम है, 5 वर्ष बाद। अब देखिए 5 ईयर आफ्टर बोला, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन में। देन इसकी आयु का वर्तमान जो क्रमशः हो जाएगा अनुपात वो कितना हो जाएगा, 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु हमें कितनी है फाइंड करनी है। ओके गाइज अब देखिए इस क्वेश्चन को ना हम लोग करेंगे ऑप्शन से। तो देखिए आपके क्वेश्चन में जो ये आंसर है इसका राइट है ऑप्शन ए। अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, अब ये सीखें यहाँ पे। तो देखिए दिस इज नाउ दीपक एंड नाउ सन, तो देखिए अगर हमारा राइट आंसर 63 है तो दीपक की एज कितनी होगी, 63। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, क्योंकि क्या है जो 21 है इसका मल्टीप्लाई में कितना है, 63 है गुना। ओके यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, तो देखिए यहाँ से हम 5 ईयर ऐड करेंगे, तो इसमें भी ऐड करेंगे दीपक में भी एंड नाउ सन में भी, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 68 एंड नाउ 26।
अब क्या है, रेशियो कितना हो जाएगा, 34:13। तो देखिए यहां से अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो हमारा कितना बन जा रहा है, 34:9:13। तो देखिए रेशियो हमारा आ गया ना जो क्वेश्चन में कह रहा था, तो बस यही हमारा आंसर है, 63 इज अवर राइट आंसर। ये है इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में समझाया। और अगर आपको मैन्युअली मेथड देखना है तो आप इस मतलब बुक के एग्जाम्पल का सोल्यूशन देख लीजिए, तो वहां पे आप मैन्युअली सीख पाएंगे कि मैन्युअली क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। मैं मैन्युअली यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन से करना सिखा दिया कि कैसे आप इसको ऑप्शन से भी सही आंसर कर सकते हैं, विद इन अ 3 सेकेंड में ये आंसर आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात हमें देखिए कितना दे रखा है, 15:17 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 9:10। तो हमें क्या कहना है कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए गाइस ऑप्शंस है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पे 36D राइट आंसर है। तो देखिए इसको कैसे वेरीफाई करेंगे आप, देखिए रंजना की क्या है कि 6 वर्ष बाद, मतलब यहाँ पे देखिए 6 क्या है, ऐड है ना, तो देखिए 6, देखिए 36 अगर रंजना की एज है, ये मैं रंजना लिख देता हूँ, तो देखिए क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद इनकी रंजना की आयु कितनी होगी। तो देखिए यहाँ से हम -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो देखिए जो 30 है और जो इनकी प्रेजेंट एज है रंजना और राखी की, कितना दे रखा है, 15:17। तो देखिए यहाँ पे देखिए रंजना का जो रेशियो कितना दे रखा है, 15। तो देखिए 15 क्या है, यहाँ पे ये 30 का क्या है, मल्टीपल है। ओके ये बात तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ रही है। एंड देन 6 वर्ष बाद, अब देखिए 6 वर्ष बाद मतलब क्या है, 30+6 कितना हो जाएगा, 36। क्या कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:10। तो मतलब क्या है, रंजना का रेशियो कितना है, 9, और राखी का कितना है, 10। तो देखिए 6 वर्ष बाद हमें फिर वेरीफाई करना है कि जो भी आंसर है वो 9 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 36 है, 9 के मल्टीपल में आ रहा है। तो यही गाइस हमारा नया आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने आपको बताया है कैसे आपको ऑप्शन से करना है आंसर। ओके मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, मे बी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होंगे आप लोग। देखिए मैंने क्या किया, रंजना एंड राखी, देखिए क्या इनका रेशियो दे रखा है, 15:17। अब देखिए ऑप्शन में आपका राइट आंसर है 36। तो देखिए फिर क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पढ़िए, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:10। मतलब कि 9 क्या है, यहाँ पे रंजना है, और 10 क्या है, राखी है। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद इनकी जो रंजना है उसकी आयु कितनी होगी। तो देखिए अगर 36 रंजना की एज है 6 वर्ष बाद, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, 6। तो देखिए कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 क्या है कि इनकी रंजना और राखी की अनुपात है। देखिए 15 है ना, 15 क्या है, 30 का मल्टीपल में है। ठीक है ये हमारा ऑप्शन वेरीफाई हो गया। अब क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, अब देखिए गाइस 6 वर्ष बाद क्या है, मतलब अगर 30 देखिए ये वेरीफाई हो गया है आप प्रेजेंट एज में, तो देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 30 में 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब कि ये 30+6 कितना हो जाएगा, 36। और 36 के बाद देखिए क्या कह रहा है कि जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9:10। तो देखिए यहाँ पे 9:10 है, तो 9 क्या है, रंजना का है। तो देखिए जो ये 36 आया है वो क्या, ये 36 जो आया है 9 का मल्टीपल में है, हाँ। तो देखिए मल्टीपल में है, तो बस ऑप्शन हमारा 36 इज राइट आंसर। बस यही चीज करना था और कुछ नहीं करना था, सिंपल था। चलिए नाउ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग, मतलब कि एजेस का हमें टोटल दे रखा है, कितना दे रखा है, 45। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु की 4 गुना था। ठीक है तो पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगी, हमें फाइंड करना है। ओके अब देखिए इसको भी ऑप्शन बेस पे करेंगे, और आपका राइट आंसर कितना है, 36। ऑप्शन बी है जो 36 वर्ष है, और 9 वर्ष है। 36 क्या है, फादर,
नाइन वर्स हमारा सन हो जाएगा। अब देखिए इसको वेरीफाई कैसे करना है, देखिए दिस इज फादर एंड प्लस सन कितना दे रखा है, टोटल इज 45, यहाँ तक क्लियर। एंड नाउ फादर कितना है 36, एंड नाउ प्लस 9 कितना 45, है ना, ये तो समझ में आए क्योंकि ये ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या है माइनस, तो देखिए यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं दोनों की एजेस में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 31, एंड नाउ ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि समय की आयु 4 गुनी थी, मतलब क्या है ये मल्टीप्लाई करना है 4 गुनी थी, तो देखिए 31 और 4 कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 124। तो देखिए गाइस ये जो पिता, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पकड़िए, मैं रफ कर देता हूँ तब आप समझ पाएंगे। देखिए अब इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि आयु का गुणनफल, देखिए गुणनफल मतलब कि ये 124 पिता की उस समय की आयु की 4 गुना था, तो मतलब कि ये फादर है और ये इसका 4 गुना कितना है, 124 है, 124 है, 4 गुना है, तो देखिए बस यही हमारा आंसर यहाँ से वेरीफाई हो गया। तो फिर क्या करें, पिता तथा पुत्र की आयु कम से क्या होगी, तो 36 एंड 9 वर्ष, सो दिस इज अवर आंसर। चीजें समझ में होंगे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को कैसे किया है, बस यहाँ पे मैंने ऑप्शंस को वेरीफाई किया है, जो राइट आंसर था उसी को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों प्लीज चीजों को एक बार फिर से वीडियो आप देख लीजिए, समझ ना आए क्योंकि इम्पोर्टेंट तरीके से मैंने यहाँ पे सिखाया है, मैंने कोई एक्स वाई जेड यहाँ पे वैल्यूज नहीं मानी है ना, इसीलिए प्लीज एक बार फिर से आप देख लीजिए तो शायद क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं डाउट है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में आप हमसे चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा, बिकॉज अगर आप सब कमेंट करते हैं तभी हमें अपनी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि हमने आपके लिए कितना बेटर वर्क किया। सो गाइस ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।